हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आ गया हूँ आपके उस छोटे से चैलेंज वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर के। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, आप देख सकते हैं ये है वो उस पासे की खुली हुई स्थिति, और इन ऑप्शंस में से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इन ऑप्शंस में ये बताना था कि इस पासे की निम्न में से कौन सी बंद स्थिति बनना संभव है। तो सबसे पहले मैं एक दो बातें क्लियर कर दूं जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये एक का अपोजिट तीन कई लोगों ने कहा, तो मैंने बोला था कि देखो एक और तीन आपस में जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी सरफेस का कॉर्नर भी अगर एसोसिएटेड है किसी नंबर से तो वो नंबर उसका पड़ोसी नंबर हो जाएगा। और आप एक बेसिक बात जानते होंगे कि अगर कोई पड़ोसी नंबर है तो वो कभी भी अपोजिट नंबर नहीं होगा। अब फिर मैंने ये बोला था कि भाई अल्टरनेट नंबर्स जैसा कि आप जानते हो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तब मैंने कहा था ए की दो बराबर जो है वो चार, तीन बराबर पांच और एक बराबर क्या आएगा छः, है ना। अब इस पासे को जब बंद किया जाएगा तो निम्न में से कौन सी स्थिति बनेगी, तो कई बच्चों ने क्या किया, एक सामान्य जानकारी जो मैंने बताई भी थी उसके आधार पर यह उत्तर दिया, या आपकी अपनी भी जानकारी हो सकती है वो ये कि सर अपोजिट नंबर्स आपस में पड़ोसी नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी नंबर है तो वो तो शो हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने कहा कि सर एक दो तीन तो आपस में पड़ोसी, यानी यह स्थिति बनना संभव है बिल्कुल। फिर बात ये आई कि चार छः पाँच, आप देख सकते हो चार छः पाँच ये भी पड़ोसी हैं। फिर बात ये आई कि तीन चार एक, देखो तीन का अपोजिट कौन पाँच, क्या यहाँ पाँच है नहीं। चार का अपोजिट कौन दो, क्या दो है यहाँ पर नहीं। एक का अपोजिट कौन है छः, क्या छः है यहाँ पे नहीं, यानी ये भी आपस में पड़ोसी हुए, यही बन जाएगा। चार तीन छः की बात करें, चार तीन छः, चार का अपोजिट कौन है दो, क्या दो है यहाँ पे नहीं। तीन का अपोजिट पाँच, क्या पाँच है यहाँ पे नहीं। छः का अपोजिट एक, क्या एक है यहाँ पे नहीं, यानी कि यह भी स्थिति बनना संभव है। इसलिए कई स्टूडेंट्स ने आंसर क्या दिया मुझको, ऑल फॉलोज। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर जी नन ऑफ दीज, तो मैंने उनसे ये पूछा अगर नन ऑफ दीज आंसर है तो निम्न फिर नन ऑफ दीज तो कब देते हैं, जब कोई आंसर तो होता है बट नॉट गिवन इन द ऑप्शंस, ऑप्शंस में नहीं दिया होता है, तो क्या ऐसा है, कौन सा वो भी नहीं आपने बताया कि सर नन ऑफ दीज के केस में ये वाला ऑप्शन है बट यहां नहीं दिया हुआ है आपने। देखिए बिल्कुल सही, ऐसे तो ये सारे सही है, लेकिन एक लॉजिक के आधार पर ये देखना पड़ता है कि पड़ोसी होने से फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पैटर्न भी बनेगा कि एक जैसे जब ऊपर हो तो दो के राइट में कौन सा नंबर आएगा, या चार अगर ऊपर रखें तो छः के राइट में या पांच के लेफ्ट में कौन आएगा। ये कौन सी बात मैं बता रहा हूं ये आप अभी समझ जाओगे जब मैं आपको इसको एक डेमो दिखाऊंगा। और स्टूडेंट्स ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, और ये जब आप जान जाओगे तो देखोगे कि पासे में इसके आगे भी कितनी चीज़ें होती हैं, और आप खुद फील करोगे कि सच में ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझको। अभी देखिएगा जैसे ही मैं ये बताऊंगा आपको तब आप बात समझ जाओगे। मैं बार बार क्यों कह रहा था, कई स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे सर जी ये वाला आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, और मैं बार बार मना कर रहा था नहीं ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगा। मैंने ये भी कहा कि आंसर ये है लेकिन क्यों है ये नहीं आप लोग बता रहे थे। अब देखो उस खुले हुए पासे को जब आपको मैं बताऊँ, जब उस खुले हुए पासे की मैं बात करता हूँ, ठीक है, यदि इस पासे की खुली हुई आकृति की बात करूं मैं,
देखिए बात ये है, ये है आपका पासा, ठीक है, यही तो है आपका पासा, बिल्कुल ऐसी खुली स्थिति बनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आइए इसको जब हम बंद पासे में कन्वर्ट कर दें, आइए बंद पासे में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, और स्टूडेंट्स ये मैंने वो बंद पासे में इसको कन्वर्ट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए बिल्कुल ऐसी स्थिति में बनाऊंगा, यहाँ पे एक क्या होना चाहिए ऊपर, ये देखिए एक क्या रहेगा ऊपर, राइट में क्या रहना चाहिए तीन, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक ऊपर राइट में तीन, तब देखिए जरा लेफ्ट में क्या रहा है चार, एक ऊपर राइट में तीन तो लेफ्ट में क्या आना चाहिए, लेफ्ट में क्या आना चाहिए चार, यहां क्या आ रहा है दो, इसलिए यह स्थिति बनेगी नहीं। अब देखिए ऊपर क्या हो चार, चलिए चार, राइट में क्या आना चाहिए पांच, ये देखिए ऊपर चार राइट में पांच, तो लेफ्ट में क्या वहां पर क्या दिया है छह, आइए देखते हैं यहां पर क्या आएगा, ऊपर चार राइट में पांच, तब लेफ्ट में क्या आ रहा है एक, यहां क्या दिया हुआ छह, इसलिए ये ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर बात करते जरा इसकी डी ऑप्शन की, ऊपर क्या होना चाहिए तीन, ये लीजिए तीन, तीन और राइट में तीन, ऊपर तीन राइट में एक, लेफ्ट में क्या आना चाहिए चार, ये देखिए ऊपर तीन राइट में एक, लेफ्ट में इसके क्या है चार, ये देखिए लेफ्ट में यहां क्या है दो, यानी यह भी स्थिति फॉलो नहीं होगी। तो फिर इसकी बात करें क्या यह सही है, ऊपर क्या होना चाहिए तीन, ये देखिए ऊपर क्या है तीन, ऊपर क्या है तीन, राइट में क्या है, राइट में क्या है छः, तो लेफ्ट में क्या आना चाहिए, लेफ्ट में क्या होना चाहिए चार, देखिए लेफ्ट में क्या है चार, छः लेफ्ट में चार ऊपर तीन, इसलिए मैं कह रहा था आपसे ऑप्शन सी विल बी राइट ओनली सी। अब कहोगे सर क्या ये ऐसे ही करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल नहीं, देखिए इसमें 90 डिग्री को फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि देखो दो के सामने इधर एक है और नीचे कौन है तीन, तो इसको ऐसे बना लो, दो दो के सामने एक, नीचे कौन है तीन, ठीक है। आइए जरा ये स्थिति बना के देखिए, ये स्थिति बनाते हैं, एक को ऊपर करो, इसको 90 डिग्री घुमा दो 90 डिग्री, तो देखना ये एक हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इधर क्या आ गया तीन, ये देखिए एक ऊपर है तो दो के लेफ्ट में कौन आ रहा है तीन, एक ऊपर है यहां दो के राइट में आ गया तीन, इसलिए ये स्थिति नहीं बनेगी। इससे समझते हैं, इसको अगर बनाते पांच, ऊपर क्या है चार, राइट में क्या है छः, ये देखिए ऊपर चार राइट में पांच छः, ये देखिए पांच के राइट में छः है जबकि यहां पांच के लेफ्ट में छः, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। चार तीन एक की बात कर लेते आप, ये जो एक है ना ये यहां भी आ सकता था कटिंग में, ऐसे भी कटिंग में आ सकता था, ये ऐसे भी आ सकता था, तो देखो हम समझे ये चार, चार के ऊपर तीन, इसके लेफ्ट में क्या आएगा एक, ठीक है, तीन ऊपर चार, इसके चार के लेफ्ट में कौन आ रहा है एक, जबकि चार के यहाँ कौन आ रहा राइट में एक, इसलिए यह भी नहीं। चार तीन छः आप देख सकते हो, चार तीन छः, ये छः यहाँ पर भी है कटिंग में, ये आप ऐसे भी इसको छः ला सकते थे और ऐसे भी ला सकते थे। अब देखिए ये चार, चार के ऊपर तीन, राइट में छः, और यही बिल्कुल स्थिति हमारी ये बनी हुई है, इसलिए आंसर क्या आएगा सी। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि ये सोल्यूशन आपको कैसा लगा और कितना आप समझ पाए, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसका आंसर बताऊंगा। ओके थैंक यू।